अपने दिल दियां गल्लां सुना लैंदा सां ओ वीर वीरां दे ओ दर्दी खोंदे ते वीर वीरां दियां बाप सिरां दे ताज नवीरा ते मावां ठंडियां छावां बाप मरे सिर नंगा खाली मावा पाजी मुहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली पाप मरे सिर नंगा गोवे ते मां मरे घर वेला भाइया पाजी मुहम्मद बख्शा ते उजड़ जांदा जे मेला ते सह सह जोड़ संगत दे वेखे ते आखर विपता पईया एक पल नी सरेंदे ते ओ शकलां याद न रहियां आज भरा जिंदा ने इन्हां दी कदर करिया कर लड़ाई ना करिया कर ए छोटा भरा वड्डे भरा नु कहन लग्या वीर जी मेरा दिल करदे मैं कुरान पाक दा हाफिज बन जावां वड्डे भरा ने छोटे भरा नु सीने लगाया इहदे सिर ते दस्ते शफकत रखिया अल्लाह को अकबला कहंदा वीर जिवें तेरा दिल करदा कर तू कुरान पाक याद कर मैं तेरे ते पैसा भी खर्च करांगा अम्मी जी दा भी ख्याल करांगा इन्हें कुराने पाक हिफज करना शुरू कर दिता हिफज मुकम्मल हो गया दोबारा फिर अपने भरा नु कहंदा वीर मेरा दिल कर दे मैं हदीस दा इलम सिख लवां कहंदा कोई गल नहीं तू हदीस दा इलम भी सिख ले आलम बन गया मां रोंदी पई है ते अपने दुख दी दास्तान सुनांदी पई है फरमांदे ने वे चंद दिन गुजरे ने मेरा बेटा आलम बन के आए ते पैगाम जला गए मौत दा सुनिया आ गए जुदाइयां दे करके चला गया इमाम अब्दुल रहमान फरमाते ने बीबी ऐसे गल मैं समझ गया वा कि तेरा बेटा हाफ ने कुरान सी इस वजह करके तेरे बेटे दी कब्र मुअत्तर हो गई ते तेरे वड्डे बेटे दी कब्र किवें मुअत्तर हो गई जेड़ी बीबी ने गल दसी ए कोई मेरा मौजू नेकी होए ते ऐसी अल्लाह को अकबला मां कहंदी ए मेरा यकीन है मेरा बड़ा बेटा अपने छोटे भरा नु पुत्रां तरह पालदा रिहा ए अपना पैसा अपने भरा ते खर्च करदा रिहा है उस मुहब्बत दी वजह करके अल्लाह ताला ने मेरे बड़े बेटे दी कबर नु ही मुअत्तर कर छड़िया है कुरान कहंदा इन्ना मैयत ना कि वाया सुबेर व इन अल्लाह अल्लाह युजील अजर अल मुहसिनी जेड़ा रब कोलो डर जांदे और तकवा इख्तियार करदे सबर करदे अल्लाह ने की करन वालियां दियां नेकियां जाया नहीं जे करदा टाइम हो गए बातां बड़ियां सारियां बस दो तीन बातां मुख्तसर इशारातन बयान करके बात खत्म करना चाहना आइए अपने भरावां नाल नेकी कीजिए आइए अपने मां-बाप नाल नेकी कीजिए शेख रासक साहब ने अपनी किताब दे अंदर एक वाकिया नकल कीता है बड़े ध्यान नाल समाप्त करन वाला बड़ी तवज्जो दे नाल
नाल समाप्त करन वाला ओ लोगो आजो नेकी वाला जो रमदान दा महीना आ गया है अगर भरावां न लड़े जे ते भरावां कोलो माफिया मांग के सुलह कर लो अगर भैणां न लड़े जे ते सुलह कर लो अगर बाले ते नाराज कीते ने ते सुलह कर लो रमदान दा महीना आ गया जे अल्लाह हू अकबर शेख लिखदे ने एन करके के बंदा एदी बीवी फौत हो गई अल्लाह ने पांच बेटियां अता कीतियां ने ध्यान करया जे तवज्जो करया जे बड़ी काबिले तवज्जो बात है अल्लाह हू अकबर एन करके बीवी फौत हो गई है हुण बेटियां पंजे जवान हो गईयां ने अल्लाह दा ते बड़ी बेटी कहण लगी बाबा जी वाडी को खिदमत करन वाला कोई नहीं लिहाजा बाकी बेटियां दी शादी कर दियो जिन्नी देर तक तुसी जिंदा हो मैं शादी नहीं करांगी वाडी खिदमत करांगी तुहाडी खिदमत करांगी अल्लाह हू अकबर चारों बेटियां दी शादी हो गई है अल्लाह हू अकबर ते बड़ी बेटी ने शादी नहीं कीती मेरे बाप दी खिदमत कौन करेगा मेरे बाप दा ख्याल कौन रखेगा मैं ते कहना कायला लकायनाब दे लोगो पुत्र वडांदे जदां ते तियां दुख वडांदियां ने अल्लाह हू अकबर बेटियां रहमत आउंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने अल्लाह दी रहमत हुंदियां ने तियां ते परोणियां हुंदियां ने एजाज ते इज्जत हुंदियां ने तियां ते परोणियां हुंदियां ने मां नाल वफावां करदियां ने बाबा लई दुआवां करदियां ने मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने धियां ते परोणियां हुंदियां ने बड़ी बेटी कहंदी मैं शादी नहीं करावांगी जिन्नी देर तक मेरा बाप जिंदा मैं खिदमत करनी है एक दिन ऐसा आया बाप फौत हो गया एक वसीयत लिख के आए वसीयत खोली ना वसीयत दे अंदर जिस मकाम दे अंदर पांच भैणां रहंदियां सन ते बाप रहंदा सी ओदी जनाब विरासत दे अंदर एक मकान ही है अल्लाह हू अकबर वसीयत दे अंदर लिखी है कि तुसी उन्नी देर तक इस मकान नू नहीं वेचना जिन्नी देर तक तुहाडी बड़ी भैण शादी ना कर लवे लेकिन छोटियां भैणां मकान वेच दित्ता है अल्लाह हू अकबर।